अस्सलामु अलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे हैदराबादी फेमस बोटी का चाकना। बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत फेमस डिश है यहाँ की। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसके लिए हम लेंगे पहले ये बोजवार मसाला है, पोटली मसाला बोलते हैं इसको। इस तरह से आती इसके पैकेट्स में का आधा निकाल के हम पोटली में बना लेंगे, एक पोटली बना लेंगे इसका। ये देखिए, एक कॉटन का कपड़ा लेके इसकी हम पोटली बना लेंगे। अच्छे से इसकी गेंठी मार लेंगे हम, इसको गाड़ डाल देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसको कट कर देंगे हम। इस तरह से पोटली बना के रख लेना। ये बोटी को मैं अच्छे से साफ़ करके धो के गर्म पानी में गर्म करके निकाली थी। अब हम कुकर ले लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन है। ये जो हम बोटी साफ़ करके रख लिए थे वो डाल देंगे। ये जो हम पोटली बनाए थे ये भी डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे आधे स्पून से भी कम। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 स्पून। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 स्पून। कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। बोटी गलने के लिए हमको जितना लगता है उतना पानी डाल के मिला लेंगे सभी चीज़ों को। ये अब हम कुकर का ढक्कन ढाक लगा के बोटी गलने तक पका लेंगे। ये देखिए बोटी गल गई और ये जो पोटली है हम इसको भी सेपरेट कर लेंगे। अभी हम दूसरा बर्तन ले लेंगे, इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम ज़्यादा। इसमें हम बोजवार का पत्ता डाल देंगे, तेज़ पत्ता डाल देंगे, पत्थर का फूल है ये। अब हम इसमें 2 प्याज कट करके डाल देंगे, 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके डाली हुई। अच्छे से मिला लेंगे हम ये सब चीज़ों को। हम ये प्याज का कलर चेंज होने तक इसको हम तल लेंगे प्याज को। ये देखिए कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। एक स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाली, मैं इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 स्पून से भी कम ले रही हूँ मैं हल्दी। नमक डाल देंगे 1.5 स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। मिला लेंगे हम। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे हम 1.5 स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए।
अब हम इसमें मसाले ले लेंगे। धनिया पाउडर ले लेंगे 1.5 स्पून, 1 स्पून गर्म मसाला पाउडर, 1 स्पून काली मिर्ची पाउडर। ये सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम जवारी का आटा ले लेंगे, 3 स्पून जवारी का आटा ले लेंगे। अब चाहे तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं गाढ़ेपन को देखते हुए। अच्छे से मिला लेंगे। अगर आटा कम हो रहा तो थोड़ा आटा आप 1 स्पून 2 स्पून पानी में घुला के इसमें मिला ले सकते हैं। कोथमीर पुदीना डाल देंगे कट करके, अच्छे से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को लो पे रखी मैं। अब हम जो बोटी गला ली थी वो बोटी ऐड कर देंगे इसमें, की पोटली जो थी वो निकाल दी मैं। अच्छे से मिला लेंगे हम बोटी को। अगर आप जब भी आप चाकना की रेसिपी बना रहे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। पानी ऐड कर देंगे हम, अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। पक्के गाढ़ा होता है इसलिए और थोड़ा पानी मिला लेंगे हम। मिक्स कर लेंगे फिर से। अब हम इसको अच्छा ढक्कन ढाप के पकने के लिए छोड़ देंगे। दस मिनट तक हम इसको पका लेंगे फिर से। ये देखिए रेडी हो गया बोटी का चाकना। इसकी कंसिस्टेंसी बराबर है ये, अगर आपको और पतला या गाढ़ा होना आप अपने हिसाब से रख लीजिए। रेडी हो गया है ये सालन। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये थी आज की रेसिपी हैदराबादी, हैदराबाद का फेमस बोटी चाकना। अगर रेसिपी देखने के बाद अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।